होती है मुझे बस आपको देखने के लिए। इसके साथ एक और भी चीज देते थे याद करो है? वैसे नहीं बोलूंगी तो यही हमारे बारे में किसने सोचा कभी सोचा नहीं सोचा ना दोस्तों आज मेरे सामने आप देख रहे हो कौन बैठे हुए हैं और इनके हाथ में एक गुलाब टूटा हुआ है। अंकल एक गुलाब है, क्या बात है बताइए। मैं मतलब क्या ही बोलूं बताइए क्या बात। देखो दानिश बेटा, बात ये दिल में एहसास है, प्यार है और फर्स्ट लव थी। बहुत हम लोग ने बहुत अच्छा वक्त बिताया है कॉलेज के दिनों में और वो हंसी खेल का तो समय आप ही जानती हो। पूरे कॉलेज में हम लोग फेमस थे, इतना सब लोग लाइक करते थे और वो वक्त लम्हे तो मैं भुला नहीं सकता हूँ। बीच में फिर थोड़ा मैटर जानती हो, किसी वजह से शादी हो गई, अब वो मजबूरन प्यार को भुलाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक दिल में एहसास होता है ना प्यार का, वो चाह के भी नहीं भूल सकते। अब कुछ दिन से जानती हो तुम सारी चीज़ें, बड़ी बेचैनी सी दिल में, अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मिल पाएगी और उस दिन से मैं मुझे रातों में नींद नहीं आई है। दिख रहा है वो, मैं मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिख रहा है इनके चेहरे का रंगत देखो और पहनावा देखो, माशाल्लाह अच्छा है, मतलब लग रहे हो हाँ कुछ यंग। जिंदगी में एक बहार जो है शब्दों में मैं कैसे बताऊं, मेरी बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है और अब तो ये लगता है कि अब उसके बिना थोड़ा सा रहना मुश्किल है। मतलब आज इजहारे मोहब्बत होने वाली है बोल सकते हैं। फूल गुलाब हमारी शुरुआत भी गुलाब, एक गुलाब क्यों दानिश बेटा, ये शुरू में एक हमने एक शुरुआत इस गुलाब से की थी। अच्छा हाँ, और मेरी एक आदत थी जब भी मिले तो एक दिन में गुलाब से देना था, ये हमारी पहचान थी और पूरे कॉलेज में हम लोग फेमस थे कि गुलाब देता है बंदा और यही इजहार था, यही अच्छे वक्त की आदत थी। लेकिन अब बेचैनी मेरी बढ़ती जा रही है और थोड़ा सा तुम एहसास समझ सकते हो कि मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, कट नहीं रहा मुझसे ना। मेरे से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा उससे बात करो, बुला दो तो थोड़ा सा कुछ खुद फोन करके बुलाइए उनको। नहीं ये मुझसे नहीं हो पा रहा, तभी तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब दोस्तों यहाँ पे चीजें आप समझ रहे हो कि क्या चल रहा है इनके मन में। चलो भाई मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि बातों को रखिए फिर अपने हिसाब से। हेलो हाँ मीना आंटी। हाँ जी कैसी हो आप? ठीक हूँ। पहचान रही हो? मैं ठीक हूँ आंटी। वो बोल रहे थे ना मिलना था आपसे, मिल सकती हो? कुछ खन्ना अंकल के बारे में बात करना था। बेटा क्या उनके बारे में बात करनी है, और देखो इतनी गर्मी भी है, इतनी धूप है इस टाइम, क्या बात करनी थी वैसे उनके बारे में? देखिए मैं कैसे बोलूँ, मतलब आप मिलोगी तो मैं समझाऊंगा चीजों को। देखो देखती हूँ धूप तो बहुत हो रही है, गर्मी भी बहुत हो रही है, देखती हूँ चलो देख के मैं आती हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मुझे आने में। कोई नहीं आप का मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप आइए। ठीक है आ रही है, ठीक है थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सच में धूप है। ये तो जनाब आ गए धूप के चक्कर में, प्यार के चक्कर में अपना धूप उपना देखे ना कुछ। कोई नहीं आने दीजिए, उसको जो भी होगा जिस तरीके से भी होगा देखा जाएगा एक बार। ठीक है करो। अरे तो
मैं दानिश ने बुलाया? नहीं, मैंने दानिश को बुलाया। अच्छा, कहाँ गया दानिश? अभी गया है, कुछ काम से गया, आते ही हुआ। अच्छा, और कैसी हो? ठीक हूँ। भूल गई क्या? भूलते थोड़ी ना। बड़ा अजीब फील कर रही हो? अजीब बात अजीब के नहीं है, बस वैसे दानिश देखते ने बुलाया था, लेकिन पता नहीं दिख नहीं रहा कहाँ पे है। आ जाएगा, छोड़ो उसे। ठीक है, मैं उसी मैं तो हूँ। हाँ तो बैठे रहो ना। पुराना सब भूल गई क्या? वो दिन भूल गई पुराने? कितनी मस्ती होती थी कैंटीन में, कैंपस में, क्लासरूम में। वो भूलने वाले दिन तो है नहीं जो मुझे याद दिला रहे हो। याद आती है ना उन दिनों की? याद तो आती है। अरे तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था? क्या? भूल गए होंगे क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे हो गए, इसलिए तुम भूल गए होगे। मैं नहीं भूली। वो जब हमने चुपके से जब बंक मार के जब हम गए थे, जो शर्मा प्रोफेसर ने जो हमारे पीछा करा था। हाँ, हम लोग बंक करके फिल्म देखने गए थे और पता चला कि वो अपने पीछे सीट पे बैठे हुए हैं सारे। वो तो खैर बड़ा वो डांट पड़ी। भाई मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था घर में जाके बता देगा। लेकिन वो दिन में ध्यान है, मैं हाथ पैर जोड़ के मैंने कैसे मनाया था उसे। लेकिन वो दिन मैं भूली नहीं, आज तक नहीं भूली। पता है कभी भी मुझे याद आता है किसी बच्चों को देखती हूँ ना, कोई कॉलेज जा रहे कहीं जा रहे, मुझे वो बात ना बहुत याद आती है बहुत। मैं कभी अकेले में सोचती हूँ ना और अकेली हंसती रहती हूँ। थी वो तो बात ही ऐसी थी, इतनी मुश्किल से गए थे बंक मार के और पकड़े गए थे फिर घर तक बात चली गई मम्मी। तो यदि मैंने हाथ पैर जोड़ के नहीं मनाया होता उसे तो बस तो कांड हो गया था और पढ़ने की सीधा सीधा रेस्टिगेट करा देता वो, तो बच गए उसमें। हाँ। और वो दिन ही अलग थे, वो मजे अलग थे। लेकिन अब तो बस तुम्हारे हाथ में मेहंदी कितनी अच्छी लगती थी, अब नहीं लगाती। अब किसके लिए लगाऊं? पहले नाम लिखवा के पहले लिखवाती थी, लगाती थी। वो खुशी थी, तुम्हें देख के मुझे खुशी आती थी। तुम्हें ऐसा लगता था एक दिन भी मैं घर पे ना बैठूं, मैं जाऊं तुम्हें देखूं। तुम्हें देख के मुझे खुशी आती थी। तुम्हें ऐसा लगता था एक दिन भी मैं घर पे ना बैठूं, मैं जाऊं तुम्हें देखूं। बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। याद तो मुझे अभी भी याद तो मुझे अभी भी बहुत आती है। लेकिन क्या करूँ, अब बहुत पीछे थोड़ी सी मजबूरियाँ हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। बड़े बड़े बच्चे हो गए, जब से मिला हूँ देखा हूँ मेरा तो नींद ही गायब है काफी दिन से, मैं रह नहीं पा रहा हूँ। चेहरे की हंसी बता रही है। वही जवानी के दिन याद आ गए। बीच में था दुख का समय था, लेकिन अब तो अच्छा है ना, अब तो ठीक है ना। अब तो ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मुझे रोज़ फ़ोन करो, रोज़ मिलो, लेकिन पता नहीं कभी कभी कहाँ जाते हो आप। बताया तो जब से देखा तो मेरी नींद उड़ गई है। मेरा नहीं पूछा। अभी तो मैं अपने दिल का ही हाल नहीं समझ पा रहा हूँ। इतना गुस्सा थी तुम पे, इतना गुस्सा थी। लेकिन मैंने जब पहली बार देखा ना, सच पूछूँ सारा गुस्सा मेरे आँखों में से निकल गया आंसू बन के। और उसके बाद ऐसे बेचैनी होती है कि अगर किसी ने देख भी लिया तो कहेंगे क्या कर रहे हो। मैं कोई डरता थोड़ी ना हूँ किसी से, अब प्रोफेसर थोड़ी ना इन्वेस्टिगेट करा दे।
भूल गई तुम वो दिन। ये लो इसके साथ एक और भी चीज देते थे याद करो। हैं वैसे नहीं लूंगी तो यही क्लासरूम के दरवाजे में तो नहीं बंद कर सकते हैं यहाँ। तुम क्या समझ रहे थे वो तो तुम दे वो तो तुम गलत समझो। मैं कह रही इसके साथ चॉकलेट देते थे तुम वो तो और भी तो बहुत चीजें देता था। मुझे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम मिली हो ना अब जिंदगी में हलचल हो गई है अब बहुत अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा इसलिए गुलाब का फूल लेके आया। मैं कह रही थी इसके साथ आप एक चॉकलेट देते थे मुझे और आज आपने खाली गुलाब लाए और आप पता नहीं कहाँ से कहाँ आप ले जा रहे हैं। देखो मेरी तो नजरें वहीं रहीं तुम भी मेरी कमजोरी जानती हो इसलिए कॉलेज में सब लोग यही देखते थे कि एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं। वो पुराने दिन तो आएंगे नहीं लेकिन कोई बात नहीं हम अभी भी क्या हुआ इतनी उम्र हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता खुल के जिएंगे खुल के रहेंगे मौज मस्ती। आज बड़ी खुशी हो रही है वो पुराने दिन सोच सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को डर डर के रहना या किसी के बारे में सोच हमारे बारे में किसने सोचा कभी सोचा नहीं सोचा ना। अरे तब क्या हाल चाल कैसी आंटी ठीक हो। हाँ ठीक है। अरे माशाल्लाह आप लोग भी एकदम चहक रहे हो आज। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है नहीं दूर से दिख रहा था कुछ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो कोई ना बैठ बैठ जा दिल्ली। अंकल बुलाए थे कुछ बात करने के लिए कि कुछ बात है जो करना है कुछ चीज़ें हैं जो बतानी हैं हुआ बात कुछ चल रही है हो रही है डिस्टर्ब तो कर नहीं 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 अब थोड़ा बहुत अच्छी खुशी हो रही है अच्छी खुशी हो रही पुराने दिन आप लोग बात नहीं 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 रुको 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 चलिए बढ़िया है फिर। ये एक बात है लेकिन ये जब भी फ़ोन करता है ना मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है जब भी बुलाता है। वैसे मेरा बिल्कुल आने का मन नहीं था तो लेकिन अच्छा लग रहा है आपके हाथ में गुलाब कहाँ जा रही हो बैठो मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं बैठो ना मैं चलो ठीक है। अरे अरे ना रुक जाइए थोड़ा सा अभी तो मिले हैं तुम जा रही हो तो अब तो मिलना ही है अब फिर मिलोगी क्यों नहीं मिलेंगे जरूर मिलेंगे कल। ये हमारा बेटा है ना बता दीजिएगा जब भी दिल हो। बस पुरानी बातें।